दोस्तों भारतीय टीम के T20 के लिए नए कप्तान का ऐलान कर दिया गया है और श्रीलंका के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम भी घोषित कर दी गई है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस टीम में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और किन 5 खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, जहां दोस्तों पहले बात करें भारत और श्रीलंका की टीम के बीच। नए साल के शुरुआत में ही 3 तारीख से 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है और इसके लिए भारतीय टीम का एक नया स्क्वाड घोषित करा गया है और इस स्क्वाड में भारतीय टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों को टीम में नहीं चुना गया है। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लगातार खराब प्रदर्शन के कारण टीम से बाहर कर दिया गया है। तो वहीं भारतीय टीम के सीनियर गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को भी T20 के लिए नहीं चुना गया है। ऐसे में ये 5 बड़े खिलाड़ी T20 सीरीज से पूरी तरह बाहर है। तो वहीं दोस्तों बात करें भारतीय टीम का, श्रीलंका के साथ पहला T20 मैच 3 जनवरी को खेला जाएगा और ये मैच मुंबई में होगा। तो वहीं इसके बाद दूसरा T20 मैच 5 जनवरी को खेला जाएगा और ये मैच पुणे में होगा। तो वहीं इसके बाद तीसरा और आखिरी T20 मैच 7 जनवरी को खेला जाएगा और ये मैच राजकोट में होगा। और दोस्तों इस तरह इन दोनों ही टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज यहीं खत्म होगी और इस दौरे पर भारतीय टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या को सौंपी गई है। तो वहीं इसके बाद सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन रहेंगे। तो वहीं इसके बाद ईशान किशन को विकेट कीपर के तौर पर चुना गया है। तो इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, शिवम मावी और मुकेश कुमार भारतीय टीम के स्क्वाड का हिस्सा हैं। और दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड इस तरह होगी। वहीं दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भारतीय टीम श्रीलंका को 3 मैचों की T20 सीरीज में धूल चटाए तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें। वहीं दोस्तों आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने पर अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।